अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ख़त्म सारे हो गए हैं, सिर्फ ये एक मुर्गा, तीन मुर्गियाँ रखी हैं और वो गिना फॉल रखी हैं, छह कबूतर रखे हैं, दो तो मेरे ख्याल से इधर बैठे होंगे, ये रे दो सामने बैठे हैं वो सफ़ेद वाले, दो पेड़ पता नहीं कहाँ कहीं होगा। मैं अभी भी कॉलेज से आया, दरअसल घर कोई भी नहीं है। तो पहले बिल्ली को खाना देते हैं, वो अरे दो वो भी निकल आए गोश्त। तो ये रे तीसरी फीमेल का ही पे, वो भी यहीं कहीं होगी। पहले बिल्ली को देख लें। बेला दे रहा हूँ मैं, रुक जा, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, रुक जा रुक जा। अच्छा नहीं रुक जा, सबर कर सबर कर ले। रुक तो जा, मैं ये ले। ये दरअसल यार जिसने रखी हुई थी ना, उसने इसको रखा ही वाइल्ड पे है जहाँ से मैं लाया हूँ। तो अब ये कच्ची चीज़ें सारी खा लेती है, पकी ही नहीं खाती। तीन दिन पहले ये भूखी रही है, मैंने दूध दिया दूध नहीं पिया, रोटी दी रोटी नहीं खाई इसने। फिर एक दिन मैंने वो मुर्गे ज़िबा किए ना अपने, तो उसका इसने सीरी खा ली। फिर मुझे समझ आ गया मैं कहीं कच्चा खाती है, फिर मैंने इसको कच्चे ला के देने शुरू किए। कच्चा भी मुर्गी का खाती है, बड़े का कुछ भी नहीं खाती। बड़े का कुछ कल कच्चा आया हुआ था, कच्चा मैंने बोटी डाल लिया है कि इसको नहीं खाई इसने, उस वजह से। फिर इसको कच्चे पे लगाया यार, लाइट ऑफ कर दो। अच्छा खरगोशों ने तो ये खा पी लिया होगा, सुबह डाल दिया होगा। तुम रह गए हो, मुझे पता है तुम्हें 9 साल हो, तुम्हारे भी पोटे भरे हुए हैं, तुमने खाया है। चलो कोई नहीं, पे डाल देते हैं ये, छली छील के डालते हैं, गर्म होती है, इसके छील के खरगोशों को दे देते हैं। यार एक हाथ से ना दरअसल छीलती नहीं है, क्या करूँ मैं यार, एक मिनट इसको छील, ठीक है ये छिल गई। अब इसके दाने निकालते हैं और ये दे देते हैं हमारे खरगोशों को, वो खाते हैं, ये भी शौक से खाते हैं। ये लो ये लो, इधर आओ, ये लो। डर रहे हैं यार, ये जब से वहाँ से देहात से हो गए ना, मेरे से डरने लग गए। ये भी चले गए थे पिछले दिनों ना, क्योंकि फिर अब वो गुस्से हो रहे थे, कह रहे थे तू जानवर सारे ख़त्म कर। बड़ी मुश्किल से मनाया ये वापसी रखने पे मैंने, मुर्गियाँ तब भी ख़त्म हो गई। कहते हैं लोग ये चार मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखते हैं, तूने तीन बड़ी मुर्गियों के साथ सात आठ मुर्गे रखे हैं। यार बीमार हो रहा है, क्या हुआ इसको, सुस्त हो रहा है। एक मिनट खोल के देखूँ, बाहर आ जाए आ जाओ, अभी निकलेगा ना बाहर पता चल जाएगा सुस्त है नहीं। नहीं ठीक है, वैसे ही सुस्त लग रहा था। थोड़ा सा तो ढीला हो रहा है, सर्दी लग रही होगी, चलो अब धूप लगाएगा ठीक हो जाएगा। मैं इसमें इनके ना ये दाने निकाल लूँ। मैंने आज वो काम किया जो शायद किसी ने किया कि छुरी से छली छिली है, यार सारे खराब हो गए। यार जब से वो चूजे गए ना, इन्होंने भी बहुत शोर करना शुरू कर दिया, ये सारी मैंने छील लिया, अभी नहीं डालते। आजा, कमज़ोर हो रहा है यार ये भी, पता नहीं क्या सीन हो रहा है, शायद पक्के जगह में रहने का। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ इनको, मैंने दवाई खिलाई थी ना बीमार, उसकी वजह से मेरी मुर्गियाँ ना ठंडी हो गई थी, तो हीट पे नहीं आई ना, तो अब इसलिए खिला रहा हूँ। ये होते गर्म मकई, शायद हीट पे आ जाए। मुर्गा तो मेरा ठीक खड़ा है, ये तो अभी नहीं आया था ना, इसने दवाई वगैरह नहीं खाई अभी, नहीं आने जवान हो, ये तो पूरा हीट पे है। तो उसका भी एक सीन होता है, अब मैं मुर्गे का मैं आपको बाद में, ये कभी फ्री हुआ ना एक वीडियो इस पर आपको बना के दिखाऊंगा कि अगर इस तरह वाला सीन हो जाए तो पट्ठा तैयार करना वाला ना, वो सारा आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि मुर्गियाँ अंडे देने स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ में।
उसमें आपको ना कोई दवाई देनी पड़ेगी, सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, ऐसा भट्टा ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ हाथ पे हिला हुआ भी हो, जो आपके हाथ के अंदर मुर्गी को क्रॉस कर दे। और ये वैसा है, अभी कोशिश करता हूँ अगर इस वीडियो में हो सके तो ये मुर्गी पकड़ लूँ, अगर ये भागे ना तो थोड़ी क्लोज आए ना। ये मैं दरअसल ना अब वीडियो भी बना सकता, ये देखना ये ना लगा देता है, अभी खाने में मसरूफ है, ये देखो। इस तरह वाला सीन होता है पट्ठे को, इस तरह अगर कोई पट्ठा इस तरह तैयार हो ना तो सकते, अब मेरी मुर्गियाँ हीट पे नहीं है, मुर्गा है तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इनको ये थोड़ी सी गर्म सिखाएंगे ना, ये भी आ जाएंगी फिर अंडे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाने कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।